तो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में हॉर्स राइडिंग बिहार में। जैसा कि आज हम आप लोग को बताने वाले हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, अगर आज मेरा जो है गब्बड़ का 2 महीना 15 दिन हो चुका है, जैसे कि अढ़ाई मंथ की मेरी गब्बड़ है और बसंती है 2 महीने 10 दिन की। तो आज कल मेरा गब्बड़ खाना छोड़ दिया। तो हम इसके बाद बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये अभी माँ की दूध पी रही और कुछ नहीं पी रही, जैसे अभी भी देख सकते हैं दूध पी रही। तो इसका क्या रीज़न है ये खाना छोड़ने का? ये हल्का फुल्का खाना भी खाती, उतना चाह के दूध भी नहीं पीती है और मेरी बसंती भी पीती है। तो इसका क्या रीज़न है जो ये खाना छोड़ दी? तो हम बताते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, जब अगर आपका बच्चा बड़ा होने लगे तो आप उसे खास ध्यान रखें डीवॉर्मिंग का। तो कौन सा डिवॉर्मिंग करें, कैसा हाई लेवल पे, किस वातावरण पे करना चाहिए, तो हम कारण आपको बताना चाहते हैं किस वजह से होता है। ये देखिए, जब ये छोटे बच्चे होते हैं तो सिर्फ ये दूध पीते हैं, तो इसका डिवॉर्मिंग करना चाहिए आपको। तो ये छोटे बच्चे हैं तो आप इसके 2 महीने पे ही कर सकते, 1 महीने पे ही कर सकते। जैसा कि मेरा ये 2 महीने की हो चुका है गब्बड़। तो ये साफ है, अगर आपके घोड़े के या घोड़ी या बच्चे या बड़ा हो तो पेट में जोक हो गया तो उसी को डिवॉर्मिंग कहते हैं। अब उसका सरल उपाय होता है दवाई मारने। जैसे ये मैं छोटा बच्चा है तो इसका हम सरल उपाय बताएं किस तरह मारा जाते हैं। इसका 3 टाइप दवाई होता है, जो इसको हाई लेवल का होता है तो इसका एक, अभी ये बच्ची है तो इसका ज़्यादा हाई लेवल का दवाई नहीं होगा। तो इसे किस वक्त देना चाहिए और किस वक्त नहीं देना चाहिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी कड़ी मौसम, एकदम कड़ी धूप चल रही है, तो उस टाइम आपको नहीं देना है। जब भी मौसम ठंडा हो या कुछ बरसात के दिन हो उस टाइम दिया जाता है। तो अब हम आपको बताते हैं किस टाइम देना सही दवाई रहेगा आपको लिए, सही उपाय कब यूजफुल रहेगा, लाभदायक रहेगा आपका घोड़ी को या बच्चे को। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उसे पर मंथ 2 महीना में डिवॉर्मिंग करें। अगर आपकी घोड़ी बड़ी है जैसे ये, तो इसको मैंने कुछ 3 महीना पहले कर दिया डिवॉर्मिंग, इसका भी अब बारी है डिवॉर्मिंग करने का, तो हम इसका भी कर दें। बच्ची हो या बच्चा हो या बड़ा हो, तो बड़ा का 3 महीने आपको लेना होगा और सही समय और क्या है, और छोटे का 2 महीने। तो हम आप डिवॉर्मिंग इसको देंगे, मतलब दवाई देंगे। तो हम आपको चलिए दोस्तों बताते हैं। आपकी घोड़ी अभी खाना खाई भी है तो अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बाहर ही रह जाएगा, पेट तक अंदर तक ये दवाई जा नहीं सकता। इसका सही वक्त है आप खाना खाने के बाद कम से कम 5 घंटा बाद दे सकते हैं। जैसे अभी खाना खा लिया तो इसको 12 बजे के बाद दवाई दे सकते हैं। तो हम बताना चाह रहे हैं, सबसे आपको जब भी आप दवाई का ज़्यादा फायदेमंद चाहते हैं तो इसे सुबह खाली पेट में दें, उसके बाद इसको खाना दिया जाए, तब आपको पता चल जाएगा इसके रिजल्ट के बारे में। तो हम बताना चाहते हैं, अब हमको दिखा देते हैं कौन सा दवाई ये इसके लिए बेहतर होगा। तो कौन सा बेहतर नहीं होगा, जो टैबलेट होगा वो बच्चे को नहीं देना है, टैबलेट आपको बड़े को देना है। तो हम बता देते हैं कौन सा दवाई आपको बच्चे के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों हम बता देते हैं। जैसा कि ये रहा ये दवाई, जिसका नाम है एल्वोमार, ये आपको आसानी से मवेशी के दुकान में मिल जाएगा। तो ये आपको कब देना है, ये 30 ml का है, 15 ml आज देना है, तो 15 ml 1 हफ्ते के बाद, उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एकदम वेस्ट, आपका घोड़ी अंदर से हष्ट-पुष्ट रहेगा, जो भी जितना भी अंदर में इसका कीटाणु रहेगा वो मर जाएंगे, एकदम स्वस्थ रहेगी उसके बाद। तो उसके बाद आप अगर डिवॉर्मिंग करना चाहते हैं तो फिर 2 महीने के बाद आप अपने जानवर कर सकते हैं। और अगर आपके पास बड़ा हो तो इसका 3 महीने खास ध्यान रखें। कल टैबलेट आता है जो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कौन सा बड़े के लिए डिवॉर्मिंग के लिए चाहिए। डिवॉर्मिंग होता है क्या, जो अंदर में कीड़ा होता है वो दवाई साफ सुथरा कर देता है, जो अंदर से जो जोक होता है, सबसे बड़ी बात है कि जोक होता है, जो एक पेट में कीटाणु रहता है उसी को मारता है। अगर उसको नहीं मारेगा तो आपका घोड़ी का या घोड़ा का ग्रोथ नहीं होगा, वो अंदर से अगर ये कुछ भी खाना खाएगी तो डायरेक्ट वो कीड़ा खा जाएगा, इसी वजह से हम ये दवाई देते हैं। इसलिए डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है अपने घोड़े के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।